हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप पहले से हमारा वीडियो देखते आ रहे हैं, तो आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट ये सब निकालना तो बहुत आम बात हो गया है, यानी कि आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इन सबको एक छोटे से ही फंक्शन की सहायता से इन सबको एक बार में ही निकालने देख लेते हैं कैसे निकालते हैं और कौन सा फंक्शन यूज करके हम इन सबको यूज कर सकते हैं, इन सब का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक प्रोग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि उस कौन से फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल लिखेंगे। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और यहाँ पर मैथ डॉट एच हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच और यहाँ पर वही होगा इंड मेन। इंड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट। तो हम सबसे पहले एक दो वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी दो वेरिएबल ले लेते हैं एक डेटा टाइप के साथ, इंटीजर डेटा टाइप के साथ हम दो वेरिएबल ले लिए। इसमें हम पहले वेरिएबल में यूजर द्वारा कोई भी नंबर इंटर कराते हैं और उसका कोई भी यानी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कुछ भी निकालने के लिए जो भी रिजल्ट आएगा निकालने के बाद उसे हम बी में स्टोर करके उसे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक यूजर को मैसेज दे देते हैं छोटा सा। एंटर द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू, फिर यहां पर स्कैन ऑफ यानी कि उस वैल्यू को रीड करने के लिए परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए, इतना हो गया। अब हमें बी में वैल्यू को स्टोर करना है, रिजल्ट को स्टोर करना है। तो यहां पर लिखेंगे बी इज इक्वल टू, यहां पर एक छोटा सा फंक्शन है जो नाम है उसका पीओडब्ल्यू। पीओडब्ल्यू यानी कि पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। आपको पहले ही बताया है कि कोई भी अगर किसी भी वर्ड के बाद अगर पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज होता है तो वो समझ लीजिए फंक्शन है। जैसे मेन की मेन फंक्शन है, प्रिंट ऑफ फंक्शन है, स्कैन ऑफ फंक्शन है, उसी तरह पावर भी फंक्शन है। तो इसमें हम उस वैल्यू को लिखेंगे जिसका हम स्क्वायर या फिर कुछ भी निकालना चाहते हैं। तो हम इस नंबर का निकालना चाहते हैं, यहाँ पर ए लिख दें। अगर मान लीजिए हमें स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पर टू लिख देंगे, और क्यूब निकालना है तो हम यहाँ पर थ्री लिख देंगे। चलिए हम यहाँ पर स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पर इस रिजल्ट को शो कर देते हैं, यानी कि जो भी हमारा रिजल्ट आया उसे प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट ऑफ रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी और ये बी, इतना हो गया। फिर उसके बाद रिटर्न जीरो और ये हमारा प्रोग्राम बंद। तो ये हुआ एक छोटे से फंक्शन का यूज करके आप यहाँ पर कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी कि कोई भी यहाँ पर आप पावर रख दीजिएगा तो वो निकल आएगा। तो कहिए ये कैसे यूज होता है। जैसे ये पावर फंक्शन का मतलब साधारण तरीका से हम समझने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है पी ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू ए टू, इसका मतलब क्या हुआ, ये डब्ल्यू नहीं है, ये इक्वल नहीं है, पी ओ डब्ल्यू ए टू। तो इसका मतलब ये हुआ ए पावर टू, अगर हम यहीं पर फाइव लिख देते हैं या फोर लिख देते हैं तो हो जाएगा हमारा ए पावर फोर, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। यहाँ पर जो भी वर्ड लिखेगा यानी कि जो भी नंबर लिखेगा या कुछ भी आप नंबर भी लिख कर देख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं पावर थ्री फाइव, थ्री पावर फाइव। इसका जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पर जो भी आप दिए रहेंगे वो रिजल्ट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा जो भी ये कैलकुलेशन करने के बाद। तो चलिए अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है, यानी कि आउटपुट रन कराने के बाद। आउटपुट में हमारा सबसे पहले ये चीज दिखाई देगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हम यहां पर फाइव डाल देते हैं, फाइव तो हमारा रिजल्ट आएगा। अब हमारा यहाँ पर जो ए है, ए में जाकर हमारा फाइव स्टोर हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फाइव पावर
2 यहाँ पर 25 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ये छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पर आप पार्ट चेंज भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा। तो आप यहाँ पर कहिएगा कि क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट या क्यूब निकालना होता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमें क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अगर आप मैथमेटिक्स बढ़िया से पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, इसका लिखने का कारण क्या है, ये सब आपको पता होगा पहले से ही। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब पावर के फंक्शन में, जैसे पावर फंक्शन में आपको यूज़ करना होगा, तो इसे कैसे यूज़ करेंगे, इसे अगर आप इसी तरह डायरेक्ट यही लिख देंगे तो नहीं होगा। उसको लिखने के लिए कुछ ऐसे लिखेंगे POW पावर फंक्शन, यहाँ पर a और यहाँ पर 1.0 डिवाइड 3। जब आप इतना लिखिएगा तो अब ये आपका a का क्यूब निकल आएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 5 रखना चाहते हैं 5 रख दीजिए, फिर यहाँ पर आपको भी 5 करना होगा, यानी कि अगर मान लीजिए a का आप 5 पावर निकालने 1/5 पावर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 1.0/5 इतना आप लिख दीजिएगा, आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। और भी इस पावर फंक्शन का यूज़ करके और भी तरह के आप प्रोग्राम बना सकते हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको प्रोग्राम भी रन कराना है इसी में। चलिए अब हम इसी प्रोग्राम को डेस्कटॉप स्क्रीन पर रन करा कर देख लेते हैं, और अगला वीडियो यानी कि इसके बाद का वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसे आप देख लीजिएगा। उसमें पावर फंक्शन का कुछ अलग मेथड से यूज़ किया जाएगा, होगा यही पावर फंक्शन का यूज़ किया होगा, उसमें कुछ और डिटेल बताया जाएगा। चलिए इसे हम प्रोग्राम को रन करा कर देख लेते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Till my shadow turns to sun rays. And on and on.